नमस्ते, आज हम फिर से एक और थ्री डिजिट नंबर्स का एडिशन रेंज देखने वाले हैं। इधर मैंने नंबर्स लिए हैं 373 से लेके 380 तक, टोटल आठ नंबर्स हैं तीन डिजिट के सारे। तो हम शुरू करते हैं अभी एबेकस पे 373 से लेके 380 कैसे करना है वो देखते हैं। पहला नंबर 373, सो 373, फिर अगला नंबर 374 मुझे ऐड करना है। यहाँ पे 3 ऐड करने के लिए स्मॉल फ्रेंड, यहाँ पे मुझे 7 ऐड करना है, उसका कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज होगा +2 -5 +10, और यहाँ पे मुझे 4 ऐड करना है तो +5 -1। अगला नंबर है 375, अभी यहाँ पे मुझे 3 ऐड करने के लिए बिग फ्रेंड से काम हो जाएगा -7 +10, यहाँ पे मुझे 7 ऐड करना है उसके लिए भी बिग फ्रेंड, ओके, और यहाँ पे मुझे 5 ऐड करना है उसके लिए भी बिग फ्रेंड, 375 हो गया। अगला नंबर 376, यहाँ पे 3 डायरेक्टली हो सकता है, यहाँ पे 7 भी डायरेक्टली हो सकता है, और यहाँ पे भी 6 डायरेक्टली हो सकता है, सो 376 का काम पूरा हो गया। अगला नंबर है 377 के लिए यहाँ पे 3 ऐड करने के लिए +5 -2, यहाँ पे 7 ऐड करने के लिए -3 +10, और यहाँ पे भी 7 ऐड करने के लिए -3 +10, ओके, 377 का भी काम हो गया। अगला नंबर है 378, यहाँ पे 3 ऐड करने के लिए बिग फ्रेंड होगा -7 +10, यहाँ पे 7 ऐड करने के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला की जरूरत पड़ेगी +2 -5 +10, और यहाँ पे 8 ऐड करने के लिए भी कॉम्बिनेशन फार्मूला की जरूरत पड़ेगी +3 -5 +10, ओके। अभी हमने 7 और 8, 378 में से 7 और 8 जो डिजिट्स ऐड किए दोनों के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज किया। 7 के लिए कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या था, +2 -5 +10, अभी इस +2 -5 से क्या हो जाता है, -3 का काम पूरा होता है, ओके, +2 -5 से -3 हो गया, -3 के साथ साथ +10 करने से 7 का काम पूरा हो गया, ओके। सो कॉम्बिनेशन फार्मूला का लॉजिक अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन फार्मूला में जो बिग फ्रेंड सब्ट्रैक्ट करना होता है वो बिग फ्रेंड जब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, तो उसका स्मॉल फ्रेंड फार्मूला यूज करते हैं। वैसे ही हमने 8 माइनस करने के लिए हमने क्या किया था, हमने +3 -5 +10 किया, +3 -5 की मदद से -2 का काम हो गया, और -2 के साथ साथ हमने +10 कर दिया ताकि 8 का काम पूरा हो गया एडिशन का। अभी 378 हो गया। अगला नंबर है 379, यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना है, 3 ऐड करने के लिए +5 -2, यहाँ पे मुझे 7 ऐड करना है तो +2 -5 +10, और मुझे 9 ऐड करना है उसके लिए -1 +10, 379 हो गया। और अभी लास्ट नंबर है 380, यहाँ पे मुझे 3 ऐड करना है डायरेक्टली, यहाँ पे मुझे 8 ऐड करना है, 8 ऐड करने के लिए मैं -2 और बाजू में +10, यहाँ पे +10 यानी कि 1 ऐड करने के लिए -9 +10, सो 380 का काम पूरा हो गया। सो फाइनल आंसर जो है 373 से लेके 380, ये सारे नंबर्स, आठ नंबर्स है टोटल, आठों के आठों नंबर्स ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 3012, यानी कि 3012, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया हो, एक बार और देख लीजिए, और फिर कम से कम 2 या 3 बार आप अपने एबेकस पे जरूर ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस किए बिना इस ऐसे प्रोसीजर्स में, ऐसे मेथड्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होते जाएगी, ओके। सो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए।